हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो जिसको बोला जाता है NCF 2005। ये क्यों बनाया गया था और क्या क्या इसके अंडर पॉइंट्स आते हैं, वो सब हम आज बात करने वाले हैं। और मैंने पूरे NCF को कवर करने की कोशिश की है। और अगर कोई भी आप टीचिंग रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं और आपने NCF नहीं पढ़ा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए NCF बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए बात करते हैं क्या क्या इसके अंडर पॉइंट आते हैं। सबसे पहले बात की जाती है कि NCF क्यों बनाया गया था। तो ये बच्चे को क्या और क्यों पढ़ाया जाए, इसी पे बात करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 इन्हीं प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि बच्चों को क्या और क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। इसी बात को कवर किया है NCF 2005 ने। उसके बाद है, क्या है NCF 2005? तो जो NCF 2005 है, यह एक विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, जो NCF 2005 है ये सबसे नवीनतम दस्तावेज है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, विषय विशेषज्ञों एवं अध्यापकों ने तैयार किया है। जो NCF तैयार किया गया है वो शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसकी सिफारिश पे ये NCF बनाया गया था। तो मानव विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 2-3 विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। तो जो शिक्षा की नई राष्ट्रीय, जब उन्होंने देखा कि जो शिक्षा है उसको चुनौती के रूप में लिया, तो इसी पे बात करते हुए जो NCERT है, ठीक है, NCERT द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु NCF को अपनाया गया था। तो जो अब सिफारिश थी वो ये थी प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, और जो इसे लागू किया था वो था NCERT द्वारा। अब जो NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है, जिसको जो मेन मोटो माना गया है, वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना किसी बोझ के। इसी बात को इसमें विशेष ध्यान रखते हुए पूरे NCF को बनाया गया है, शिक्षा बिना बोझ के। और इसका जो प्रारंभ किया गया है, इसको जो प्रारंभ किया है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध, ठीक है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक निबंध लिखा था सभ्यता और प्रगति, इसी उदाहरण से इसे प्रारंभ किया है। अब बात करते हैं जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। जो NCF से 5 भागों में डिवाइड किया गया है, तो अब 1 by 1 हम इन 5 भागों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तत्व है परिपेक्ष यानी पर्सपेक्टिव। तो जो NCF का पर्सपेक्टिव है ये क्यों बनाया गया है, तो इसमें जो बात की गई है, इस भाग में NCF का परिचय है, पश्चावलोकन है, मार्गदर्शक सिद्धांत है, गुणवत्ता के आयाम तथा शिक्षा के लक्ष्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों का समावेश किया गया है। जो प्रथम तत्व है परिप्रेक्ष्य है, उसमें इन सारे जो टॉपिक्स हैं उन पे बात की गई है। अब 1 by 1 इनमें देखते कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो शिक्षा बिना किसी बोझ के की सूच के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, ये जो पॉइंट आता है ये भी इसका प्रथम तत्व, यानी फर्स्ट जो भाग है उसी में बात की गई है। और दूसरा बात की गई है इसमें, बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हो सकें, ठीक है। तीसरी जो इसमें बात कही गई है, ऐसे नागरिक वर्गों का निर्माण करना जो लैंगिक न्याय मूल्यों, लोकतांत्रिक व्यवहारों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या की ओर आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो सके। जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये जो तीनों हैं, ये इसके प्रथम तत्व में या प्रथम भाग में इन सब बातों को बताया गया है। अब जो NCF 2005 है उसका दूसरा तत्व है, द्वितीय तत्व या दूसरा भाग है, उसमें जो बात की गई है, सीखना और ज्ञान, लर्निंग एंड नॉलेज के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, इस भाग में सक्रिय विद्यार्थियों की प्राथमिकता, विद्यार्थी के को संदर्भ में रखना, विकास और सीखना तथा पाठ्यचर्या एवं व्यवहार के लिए निहितार्थ जैसे विषयों का समावेश है। जो ये सारे टॉपिक्स हैं वो हमारे दूसरे भाग में आते हैं।
तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या बातें रखी गई हैं, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एनसीएफ है ये बिल्कुल उसके ब्रीफ नॉलेज है। एनसीएफ बहुत बड़ा है एक्चुअल में, लेकिन उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है। सबसे पहला बात है समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा, विद्यार्थियों में अपना ज्ञान स्वयं सृजन करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करना, ये उसका पहला पॉइंट है द्वितीय तत्व का। दूसरा है शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और आदि, जो अधिकतर इनका आदि प्रयोग हो सके। जो शिक्षण विधियां हैं ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त की ओर, ये जो विधि हैं शिक्षण सूत्र हैं इनका, इनकी बात भी एनसीएफ 2005 के द्वितीय तत्व में कही गई है। उसके बाद है बच्चे उसी वातावरण में जल्दी सीखते हैं जिनसे उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है, कि बच्चों को जहाँ पे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उसी वातावरण में वो सीखने की, जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं या सीखते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है इसमें प्राथमिक स्कूल से विद्यालय तक शारीरिक एवं भावात्मक सुरक्षा प्रत्येक प्रकार से सीखने की आधारशिला है। एंड फिफ्थ पॉइंट है इसमें शिक्षक एक उत्प्रेरक है जो कि विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञानार्जन के क्रम में व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है। शिक्षक ही एक उत्प्रेरक का कार्य करता है जो बच्चों को ज्ञानार्जन में उसको प्रोत्साहित करेगा और उसकी उसमें ज्ञानार्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लास्ट पॉइंट है इसमें अवलोकन और अन्वेषण, विश्लेषणात्मक विमर्श तथा ज्ञान की विषय वस्तु विद्यार्थियों की सहभागिता के मुख्य क्षेत्र है। अब बात करते हैं हम इसके तृतीय भाग यानी तृतीय तत्व की, जो इसमें बातें की गई हैं वो है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं एवं आकलन। ये जो टॉपिक है ये तृतीय भाग में आता है। तो इसमें जो बात, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो है इस भाग में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, आवास और सीखना, अध्ययन और आकलन की योजनाएं तथा आकलन और मूल्यांकन जैसे विषयों का समावेश है। जो ये सारे विषय हैं इनसे रिलेटेड पाठ्यचर्या, आकलन, ये सब कुछ तृतीय तत्व के अंदर आता है। अब सबसे पहला पॉइंट है इसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था उनकी मातृभाषा में करना उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है। जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जो प्राथमिक स्तर होता है, बेसिक स्तर होता है, उन पे उनकी शिक्षा व्यवस्था उनकी मातृभाषा के आधार पर ही करनी चाहिए। इससे जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो जल्दी होता है। दूसरी बात है गणित शिक्षण का मुख्य लक्षण तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्त तत्वों का निर्माण करने तथा संचालित करने की योग्यता का विकास करने से होना चाहिए। इसमें गणित शिक्षण की बात कही है। उसके बाद है विज्ञान, विज्ञान की शिक्षण कैसा होना चाहिए। विज्ञान की शिक्षा ऐसी प्रतीत ऐसी होनी चाहिए जिससे शिक्षार्थी तरीका एवं प्रतिक्रियाओं का बोध करने में सक्षम हो। ये बात ध्यान रखना आप, तरीका एवं प्रतिक्रियाओं का बोध। उसके बाद है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत एक ऐसी पाठ्यचर्या का होना आवश्यक है जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ का विकास कर सके। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बारे में इसमें बात की गई है कि जो ऐसी पाठ्यचर्या हो जिस जो कि शिक्षार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक समझ विकसित कर सके। उसके बाद है हस्तशिला, हस्तशिला यानी क्राफ्ट वगैरह के बारे में जो बात की है, एक उत्पादन प्रक्रिया है जो जो समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध है। ठीक है, अब आपका लास्ट पॉइंट है इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर आधारित शिक्षा का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन के व्यवहारिक पहलुओं से संबंधित है। अब इसका जो फोर्थ तत्व है, चतुर्थ तत्व है, इसमें बात करी है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, जो इस विद्यालय का वातावरण और कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। तो इस भाग में भौतिक वातावरण सक्षम बनाने वाले वातावरण का पोषण, सभी बच्चों की भागीदारी, अनुशासन और सहभागी प्रबंधन, अभिभावकों एवं समुदायों के लिए स्थान, पाठ्यचर्या के स्थल और अधिगम के संसाधन इस भाग के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सारे महत्वपूर्ण पहलू जो हैं ये सब दिए हुए हैं इसके। तो अब इसके जो फर्स्ट पॉइंट है
इसमें बोला गया है कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। तो जब भी कोई शिक्षण अधिगम कार्य हो रहा है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कक्षा का आकार कितना होना चाहिए, कितना छोटा कितना बड़ा, ये सारी बातें इसमें बताई गई है। स्कूल की संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक शिक्षार्थी की रुचि और क्षमताओं के विकास को बढ़ावा मिल सके। जो स्कूल की संस्कृति है उस पर भी बात की गई है, जो कि शिक्षार्थियों की रुचि और क्षमताओं को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। और फोर्थ तत्व में ही अनुशासन यानी डिसिप्लिन पे भी बात की गई है कि अनुशासन ऐसा हो जो कार्य करने में मदद करे, ऐसा अनुशासन विद्यालय के अंदर होना चाहिए। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है फिफ्थ तत्व, जो पंचम भाग है, इसमें बात करी गई है व्यवस्थागत सुधार की। तो इसके अंदर बोला गया है इस भाग में गुणवत्ता को लेकर सरोकार पाठ्यचर्या नवीकरण के लिए शिक्षक शिक्षा परीक्षा सुधार विचार और व्यवहार में नवाचार तथा नई साझेदारियों जैसे विषयों का समावेश जो सब कुछ किया गया है ये व्यवस्थागत सुधार और पंचम भाग में किया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में विकासात्मक मानकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें पाठ्यचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए जिसमें शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलते तथा काम करते समय प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर सके। जो शिक्षक है वो ना उसको केवल शिक्षण कार्य में ही अवलोकन कर सके बल्कि उसको खेलते समय भी अवलोकित कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है इसका शिक्षक परीक्षण में समकालीन भारतीय समाज के मुद्दे हों और चिंताओं जैसे विषयों का भी समावेशन होना चाहिए। शिक्षण कार्य ऐसा होना चाहिए जिसमें समकालीन भारतीय समाज के मुद्दे भी उसके अंदर निहित हों, उन पे बात की गई हो। और लास्ट पॉइंट है इसका काम केंद्रित शिक्षा का अर्थ बच्चों में उनके परिवेश तथा कौशलों को विद्यालय व्यवस्था में उनकी गरिमा और मजबूती के स्रोत में बदलना। तो ये इसका लास्ट पॉइंट है। मैंने इसमें एनसीएफ के अंदर जो जो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर करे हैं और एनसीएफ आपके लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स।